अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर फान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल और वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं GMT स्टेप इन कॉइन के बारे में। और आपने देखा होगा ये कॉइन जो है, ये मैंने आप लोगों को सबको $2.2 पे बाय करवाया था। अगर आप लोगों ने मेरी कॉल पे इसको बाय किया तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे जब इसका पंप आया था तो आप लोगों ने आई होप ऑलमोस्ट जो है वो 80% प्रॉफिट अपनी इन्वेस्टमेंट पे जो है वो बना लिया होगा। ठीक है, सो माशाल्लाह से मैंने खुद भी इसमें 2.2 पे इन्वेस्ट किया था, बट मैं अभी भी इसको लेकर बुलिश हूँ। और इसकी एक नई अपडेट है, उसको मैं कहाँ तक देख रहा हूँ कि क्या इसके चांसेस जो हैं वो मौजूद है और कहाँ तक ये जा सकते हैं, उसको आपको दोबारा बाय कहाँ पर करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप इन के अंदर जो नई अपडेट आई है उसके बारे में। सो पहले हम क्या करते थे, हमें एक चीज देखी थी, ये एक मूव टू अर्न डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3 बेस्ड गेम है। ठीक है, इसको मैं पूरा कवर कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता स्टेप इन क्या है, मूव टू अर्न कैसे आप भाग कर पैसे कमा सकते हो, सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन ये रियलिटी है जब से डिसेंट्रलाइजेशन आई है और यही फ्यूचर है। तो आप लोग अभी थोड़ा सा यकीन नहीं आ रहा होगा मेरी बातों पर, आप बोलोगे क्या पागल आदमी क्या बातें कर रहा है भाग के पैसे कमाओ। तो आप लोग जाओ और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी वीडियो होगी या मैं कार्ड में देता हूँ, बल्कि आपको कार्ड में भी आ रही होगी वीडियो, उस वीडियो को जाकर देखो, आप समझ जाओगे कि क्या होता था। अब उस गेम के अंदर आपको ये करना होता था कि आपको उसके अंदर स्नेकर्स बाय करने पड़ते थे। स्नेकर्स आपको बाय करने के लिए सोल चाहिए होता था। जब मैंने इस कॉइन के अपडेट दिया था तब एक जूता आप 7 सोल कॉइन का ले सकते थे। मतलब अगर हम सोल की प्राइस देखें तो सोल की प्राइस अभी ऑलमोस्ट 97 से $98 है। तो आप 7 सोल के बदले मतलब $700 की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी पाकिस्तानी, 1.5 लाख रुपया। ठीक है, फिर उसकी नई अपडेट आई यहाँ पे, इस पॉइंट पे था नई अपडेट आई, फिर आपको 12 सोल चाहिए होती थी। तो क्या हुआ, ये पंप हुआ और इतना पंप हुआ कि इसने हमें न्यू ऑल टाइम हाई दे दिया और हमने इससे अच्छा प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया। ठीक है, सो मैंने खुद भी इससे प्रॉफिट बुक किया और मैंने आप सबसे भी कहा था कि आपको दोबारा 3.13 ईयर पे मिलता है बाय करना। अभी इसको क्या बाय करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो हमने इसको बाय किया, अब ये डाउन गया क्योंकि महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को इसकी गवर्नेंस होती है। ठीक है, इनकी क्लोजिंग्स होती हैं जो उनको रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो कि GST को अर्न करते हैं। सो इस बीच इसकी प्राइस थोड़ी सी, अभी देखो ना 1 तारीख आने वाली है तो इसकी प्राइस थोड़ी सी आपको नीचे की तरफ नजर आ रही है। ये बिटकॉइन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता ये कॉइन, क्योंकि इसका बिल्कुल मोटिव अलग है। ठीक है, अगर आपने देखा कि बिटकॉइन अभी 40,000 से वापस नीचे आगे गिर गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने न्यू ऑल टाइम हाई मार लिया। ठीक है, सो बिटकॉइन को ये एक वाहिद ऐसा कॉइन है जिस वक्त मार्केट के अंदर डोमिनेंस में है और अभी बिटकॉइन को ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसकी अपडेट यह आई है कि जब 7 से 12 सोल कर दिए तो इसकी प्राइस और ऊपर चली गई। अब इसकी न्यू अपडेट यह आई है कि अब आपको 12 के बजाय 18 से 17 सोल चाहिए होते हैं और इसके अंदर एक्टिवेशन कोड जो सिर्फ डेली 2,000 लोगों को मिल सकता था, मतलब रोज के सिर्फ 2,000 नए लोग साइनअप कर सकते थे, उसके लिमिट्स को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जब ज्यादा लोग साइनअप करेंगे, ज्यादा लोग इसको पाएंगे, ज्यादा यूज केस बढ़ेगा, तो इसका जो गवर्नेंस टोकन है स्टेप इन GMT जिसका स्टॉक या जिसका कॉइन अभी हम देख रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट इसकी प्राइस होते हुए नजर आएगी। अभी बात करते हैं कि इसको बाय कहां पे करना है, यहां पे मैं आपको इसका 4 आवर का चार्ट ओपन करके दिखाता हूं और यहां पे आप देखेंगे। फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए फिबोनाची को हटा देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल हर चीज को यहाँ पे वो कर देता हूँ। ठीक है, आपको बिल्कुल वाजे तौर पे दिखा दूँ, फिबोनाची को हमने हटा दिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आ रहा है और बाउंस बैक कर रहा है। जब भी जितनी बार यहाँ पे इस पॉइंट पर आ रहा है बाउंस बैक दे रहा है, बाउंस दे रहा है, बाउंस दे रहा है। ठीक है, जितनी बार यहाँ पर आया है तो यहाँ पे एक इसका बाय जोन है जो कि मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये जोन अगर आपको मिल जाता है 3.40 वाला, इस बीच में आप इसको वापस से जो है बाय करना। ठीक है, विद स्टॉप लॉस। और अगर ये थोड़ा सा इसको सपोर्ट को ब्रेक करता है इस वाली, तो ये वाला जोन जो आ जाता है वो इंपॉर्टेंट है। तो 3.14 से लेकर 3.13 तक वाला जोन जो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक डाउनवर्ड जो हमारा अपवर्ड चल रहा है। ठीक है, जो नीचे सपोर्ट है वो एक अपवर्ड है, वो इसकी एक सपोर्ट हमारे पास हो जाएगी अवेलेबल। और इसके अलावा ये जो एक अपवर्ड चल रही है सपोर्ट, इसकी हमारे पास एक सपोर्ट अवेलेबल होगी। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो जो पास्ट ऑल टाइम हाई था उसकी सपोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं इसका कलर आपको व्हाइट करके दिखा दूं तो देखो उसकी सपोर्ट भी यहाँ पर आपके पास क्लीन मौजूद है। तो ये एक जोन है जो आपको बेस्ट जोन आपको मैं प्रेफर करूंगा GMT के लिए, वो 3.40 से लेकर 3.13 के बीच में आप इसको जहां पे बाय करना चाहो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, विद टाइट स्टॉप लॉस, मतलब सेकंड आपका बाय जोन होना चाहिए ये वाला एरिया। अगर मार्केट बहुत ज्यादा कोई आउट परफॉर्म कर जाती है तो आपका ये वाला एरिया आ सकता है $2.65 वाला। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना डाउन जाएगा, लेकिन फिर भी आपने डिसीजन मेकिंग पूरी करनी है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी है। अब एक्सपेक्ट करते इसका ऑल टाइम हाई, जब मैंने इसका सिग्नल आपको यहां पर दिया था, ठीक है, इस पॉइंट पे 2.2 पे, तब मुझे भी नहीं पता था कि ये इसका ऑल टाइम हाई कैसे जाएगा। मैंने आपसे प्रिडिक्ट किया था कि 3.8 तक इसका पहला ऑल टाइम हाई बनेगा, इसको बाय करो। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो देख लो। ठीक है, फिबोनाची को मैं यहाँ पे आपको यूज करना सिखा देता हूँ। मेरी वीडियोस देखने का सबसे बेहतरीन फायदा ये कि आप फिबोनाची को यूज करना हमेशा सीख जाओगे। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने आपको बाय करवाया, मैं चार्ट को रिप्ले में ले जाता हूँ, पीछे की तरफ ले जाता हूँ थोड़ा। ठीक है, ताकि आप लोगों को ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ये हम पीछे आ गए। अब यहाँ पे मैं फिबोनाची लेता हूँ, यहाँ पे साइड में आपको फिबोनाची टूल मिल जाएगा। आपने क्या करना है, जो नया ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है, ऑल टाइम हाई के बाद ये पॉइंट लेना, ऑल टाइम हाई के बाद जहां तक डाउन गया है, जहां जो इसका एंड पॉइंट था
वहां तक आपने इसको डाउन तक ले जाना, जिसका ऑल टाइम लो था यहाँ पे, ठीक है, ऑल टाइम हाई के बाद जो लो बना वो ये था बॉटम, ठीक है, $2 वाला। तो इसके बाद आप इसके नए एरिया जो वो प्रिडिक्ट करते हो, ठीक है। अब ये फिबोनाची जो इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, ये अगर नीचे है तो ये रेजिस्टेंस है इसके लिए, ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर ये इसको ब्रेक करता है इस वाले अपने ऑल टाइम हाई को, तो इसका नया ऑल टाइम हाई कहां तक एक्सपेक्ट होगा, 3.8 तक। और अगर 3.8 को भी ब्रेक करता है तो न्यू ऑल टाइम हाई कहां तक एक्सपेक्ट होगा, 4.9, मतलब ऑलमोस्ट $5 तक। अब मैं आपको इसको रिपीट प्राइस को करके चला के दिखाता हूं, और अब आप देखिएगा एक्जैक्ट जो फिबोनाची का इसका ऑल टाइम हाई, अगर ये ब्रेक करता है पास वाला, तो फिबोनाची का ये न्यू ऑल टाइम हाई पर जाता है, ठीक है। मैं स्पीड इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता हूं ताकि टाइम आप लोगों को वेस्ट ना हो, ये देखें खुद ही चल रहा है चार्ट, ठीक है, ये प्रीवियस है, इससे आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए बिल्कुल एक्जैक्ट वहीं पर बना ऑल टाइम हाई, देख लिया आप लोगों ने, एक्जैक्ट इसी ब्लू लाइन पर लगा, ठीक है, और फिर क्या किया, इस वाली लाइन को सपोर्ट बना लिया, ठीक है, जो प्रीवियस हमारा ऑल टाइम हाई था और ये वाला इसको सपोर्ट बना लिया। तो यहाँ पे एक बाय जोन था, मैंने इसको आप लोगों को दोबारा बाय करवाया था, अभी ये गया है, लेकिन दोबारा इसके ऊपर, अब देखो हमें चाहिए इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग, ये जा रही है विक, पहले भी विक लगी नीचे आ गया, बट इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग के बाद एक रिट्रेसमेंट होगी, देन आप इसको $5 का भी जाते हुए देख सकते हो, क्योंकि अपडेट आई है, बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक जोन मैंने आपको ये बताया, दूसरा जोन आपके लिए इसका जो होना चाहिए वो इसका जोन आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दूसरा जोन अगर ये अपनी इस वाले रेजिस्टेंस को फ्लिप कर देता है, जो कि हमारे पास बन रही है इस वक्त 3.82 वाली, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, क्लोजिंग के वक्त आपने इसको बाय नहीं करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है, वापस 3.80 पे टच करता है, तो आपने इसको बाय करना है, और आपको जो टारगेट होना चाहिए वो 4.9 से लेकर $5 तक के बीच में जो है वो होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम बिटकॉइन की तरफ भी चल लेते हैं, बिटकॉइन की क्या अपडेट्स हैं। बिटकॉइन यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो एक फॉलिंग वेज बना रहा था, ठीक है, इसको मैं 4 आवर्स के चार्ट में आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे बिटकॉइन जो था, मैंने इसकी अपडेट ऑलरेडी कवर की थी, लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में डाली नहीं, ठीक है, वीडियो, क्योंकि मुझे लगा कि वीडियो बनाना फजूल है फिलहाल। तो यहाँ पे इसने क्या किया, फेकआउट किया, और फेकआउट करके वापस ही अंदर आ गया फॉलिंग वेज के अंदर, और यहाँ पे इसकी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अभी वाला जोन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $37,300 वाला, फिलहाल ये अपने इस लोकल सपोर्ट से पंप ले रहा है, लेकिन मुझे लगता है वापस रिजेक्ट होकर नीचे आएगा, और 3,300 वाला जोन जो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अब अगर हम अपनी विक टू विक प्रीवियस इसकी सपोर्ट लें तो वो भी एक्जैक्ट यहीं पर आ रही है, ठीक है, और ये वाला जोन भी एक्जैक्ट यहीं पर आ रहा है। तो ये जोन आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बाइंग कर सकते हो बिटकॉइन की। सो ये सबसे पहले 37,500 से लेकर $37,300 तक वाले जो एरिया है वो बिटकॉइन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन होल्ड नहीं कर पाता है तो हम यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट्स आ जाती है, फिर वो $34,000 वाला और $32,000 वाला एरिया जो है वो हमारे पास बच जाता है, ठीक है। और 2 से 3 तारीख के बीच में FOMC की मीटिंग भी है मई को, जो अभी आ रहा है, तो जब भी FOMC की मीटिंग होती है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं, इंटरेस्ट रेट जब भी इंक्रीज होते हैं मार्केट के अंदर हमें एक फॉल देखने को मिलता है, मार्केट घिरती है, हमेशा वॉलेटाइल हो जाती है। तो अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर लो, अपने स्टॉप लॉस को मैनेज कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि आपको डे टू डे अपडेट्स जो है वो सब कुछ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।